माई नेम इज़ मुजल्फ़ा एंड आई रीड क्लास 7th. टुडे आई डिस्कस व्हाट इज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम यानी कि उर्दू की इसकी तारीफ जो है वो इस तरह है, यानी कि जिस काम का करना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. और इंग्लिश की जो इसकी पहचान है, इसमें वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म को हम इंग्लिश में यानी कि वर्ब की फोर फॉर्म है और उसमें से ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं या पास्ट फॉर्म. ओके, अब यानी कि फॉर एग्जांपल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि गो वेंट. अब ये जो वेंट है ये सेकंड फॉर्म है. या ड्रिंक ड्रंक ड्रैंक ड्रंक. अब ये जो ड्रैंक है ये भी सेकंड फॉर्म है, यानी कि शी ड्रैंक वाटर, वो पानी पी रही थी, वो पानी पीती है. अब या पिया था, उसने पानी पिया था. अब इसमें जो ड्रिंक है यानी कि ये सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है. अब ये ड्रिंक जो है ये हमारा यानी कि हमें इससे मालूम हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और यह पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होता. और इसका जो यानी कि पॉजिटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब हम इसमें नेगेटिव यानी कि यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट लगा दें, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, और जब हम नॉट लगा लेते हैं तो डिड नॉट जब हम लगा लेते हैं तो ये जो सेकंड फॉर्म होती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में यानी कि दोबारा आ जाती है. यानी कि हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम इस तरह हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि यानी कि हम जब सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं और या यानी कि एक बार डिड आया हो फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि यह पर हम फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मौजूद होता है. एनी क्वेश्चन? No.